हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत भय लगता है। तो मार्गदर्शन के लिए बोला गया है कि आप मार्गदर्शन कीजिए। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता रहती है, डर भी लगा रहता है कहीं बच्चा कहीं गलत रास्ते पर ना निकल जाए। क्योंकि क्या होता है कि 14 की एज ऐसी होती है कि अगर आप किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं तो फिर गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त पे बच्चे को इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, उसके लिए हर चीज़ नई रहती है। ठीक है, अगर वो मतलब उसको हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे ज़िंदगी की जब शुरुआत होती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा रहती है उसको, और कई बार तो जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसको गुस्सा भी बहुत आने लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती है, इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, और वो क्या है कि फिर गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो ऐसे वक्त पे पेरेंट्स को बच्चे के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, उनको दोस्त की तरह रखा जाए, उनसे पूछा जाए कि बेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, हंसी मजाक में ही पूछा जाए, उनके साथ में वॉक करते हुए पूछा जाए, रात को स्टोरी वगैरह सुना रहे होते हैं तब उनसे पूछा जाए कि बेटा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डायरेक्ट मत पूछिए, वैसे बातों में पूछ लीजिए, एक फ्रेंडली नेचर रखिए, तो बहुत ज़रूरी है ये। और देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो उनके भविष्य के बारे में काफ़ी परेशान हैं तो क्या मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साधना वाजपेयी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जब से हम बीमार पड़े हैं तब से मुझे अपने दोनों बच्चों के बारे में सोच के मृत्यु से बहुत भय लगता है कि मैं माँ का कर्तव्य पूरा कर पाऊंगी कि नहीं। वैसे हम भगवान की कृपा से कभी डरे नहीं, बट आज हाँ, बहुत डर। सोचना तुम्हारा व्यवहारिक ठीक है। व्यवहारिक इसलिए कह रहे कि व्यवहार में सबको लगता है ना, तो मान लो बच्चे अभी, तो फिर मैं हूं तो उसको पढ़ा लिखा रही हूँ जैसे भी उनको मेरे से, ये व्यवहारिक तो ठीक, परमार्थिक सोच में नहीं ठीक। वो अनंत महिमा वाला भगवान पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, तुम्हारे बच्चों का भी पालन पोषण करेगा पक्का, वही करता है। देखो बचपन से निकले थे, 11 वर्ष की अवस्था थी, आज तक वही पालन पोषण करता रहा। ना हमारे खाने की व्यवस्था थी, ना रहने की व्यवस्था थी, ना कोई मित्र था, ना कोई स्थान, पूरा लंबा जीवन इतना, और भ्रमण करना है, कभी 1-2 वर्ष एक जगह रुक गए, कभी ऐसा तो नहीं, तो बराबर भ्रमण करना है। वो हर जगह मुझे दुलार करते मिला है। कभी जैसे लोग कोई छैसे उद्दंड, तो उपदेश अंदर से मिला, ए सहो, ये सहने के लिए, तुम्हारे अहंकार का नाश करने के लिए मैंने भेजा इसको, तो बस आपका भेजा हुआ हर विधान अमृत है प्रभु। अगर हम ऐसा सोचते कि हम ही बच्चों का पालन पोषण करते तो व्यवहारिक तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक बात ठीक नहीं है, क्योंकि सबका भरण पोषण भगवान। गर्भ में आप क्या पोषण कर रहे थे अपने बच्चे का, वही तो कर रहा था ना। गर्भ में आप क्या व्यवस्था कर रहे थे, गर्भ के जब बाहर आया तो बिना किसी प्रयास के उसके पोषण के लिए स्तनों में दुग्ध आ गया, जबकि वो अन्न नहीं पचा सकता, तो कितना गर्म, कितना मीठा, कितना उसको, वो पहले से व्यवस्थित है और वो पीकर हष्ट पुष्ट होता है। तो विचार करो, जो गर्भ में पोषण किया, गर्भ के बाहर आने पर तो भोजन व्यवस्था कर दी ना। देखो उसको पीना किसने सिखाया, सहज में वो पान कर ले, वो छोटा बच्चा, उसको सिखाना थोड़ी पड़ा है, वो बहुत सर्वज्ञ प्रभु है, जिस समय जैसी व्यवस्था चाहिए, विश्वास करो तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे बच्चों की वैसे ही उन्नति, वैसे ही भरण पोषण जैसे तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे सामने तुम निमित्त हो, जब तुम हट जाओगी तो वो किसी रूप में आकर संभाल लेगा, वो पूरी सृष्टि को संभाल रहा है। और जो दुर्गति होनी तो तुम्हारे सामने हो जाएगी, तुम रोक नहीं पाओगी, जो सदगति होनी तो तुम चाहे उसके विरोध में खड़ी जाओ फिर भी उसकी उन्नति हो जाएगी। हम कई बार ये दृष्टांत सुना चुके हैं। एक सोझा जी नाम के गृहस्थ थे, उनका चरित्र है भक्तमाल जी में, वो महाभागवत थे, उनका ब्याह हुआ, पत्नी हुई, एक संतान हुई। जब संतान हुई तो उनको, पत्नी को प्रसव पीड़ा में बहुत कष्ट होता है, उसका रोना चिल्लाना ये सब सुन करके, जब प्रसव हो गया, बच्चा कुछ समय का हो गया, तो उनका जीवन में दोबारा मैं गर्भ धारण करने की चेष्टा नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत कष्ट होता है, और अब मैं ऐसे संसार से विरक्त भाव में भजन करना चाहता हूँ, अब नहीं। पत्नी से प्रार्थना की कि तुम्हारा पाणि ग्रहण किया है इसलिए तुमसे हम अनुमति मांगते हैं, या हमारे साथ चलो, अगर आप तो घर में सब सुख सामग्री है,
बच्चा है, आप पालन पोषण करो, पर मैं विरक्त होकर आज से भगवान का भजन करूंगा। यदि आप कहती हो कि पाणी ग्रहण किया तो हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, चलो जैसे मैं रहूंगा वैसे रहना होगा, पर साथ में कुछ नहीं कोई नहीं और भजन करना होगा। तो उन्होंने कहा मैं आपके बिना तो रह ही नहीं सकती, आपके साथ चलूंगी। तो चली, जब गांव के बाहर निकली जंगल में पहुंची तो देखा थोड़ा धीमी चाल है, तो उनका जल्दी से आओ ना, तो देखा गोद में बच्चा है। तो पलड़ उनका कहा था कि हमारे साथ अन्य कोई नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी अनुमति है, आप बच्चा ले। तो बोले नवजात शिशु इसको हम कहाँ छोड़े, इसको कौन पालन पोषण करेगा। तो उन्होंने कहा सब जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है वही भगवान करेगा, या तो वापस हो जाओ या बच्चा यहीं छोड़ दो। तो कैसे छोड़, उनका भगवान का भरोसा, छोड़ यहीं बच्चा या वापस जा। वो माँ भागवत थे पर पत्नी अपने पति को भगवान मानती थी, छोड़ दिया बच्चा वहां। 12 वर्ष तक भजन साधन, एकांत तीर्थों में भ्रमण। जब उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसको एकांत में बार बार क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का। तो उनका चलो आज तुम्हारे अंदर जो बार बार एक प्रश्न रहता है उसका उत्तर दिला देते हैं। अपने गांव में आए और बाहर बैठ गए, तो 12 वर्ष में दाढ़ी बाल ऐसे तो कोई पहचान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ तुम्हारे गांव में एक सोजा जी थे, सुनाओ संत बन गए, तो उनके कोई संतान थी, क्या हुआ आपको पता है। तो उनका अरे भाई उनके भाग्य क्या कहने, सोजा जी को जब जाते हुए सुना तो यहाँ का जो राजा था वो बड़ी श्रद्धा रखता था, तो उसने घुड़सवार दौलाए, सोजा जी तो मिले नहीं लेकिन उनका लड़का मिल गया जंगल में, उसको उन्होंने रख लिया, उनके कोई लड़का नहीं था, तो अब युवराज पद पर वो है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, और वापस हो गए। पत्नी से कहा देखा घर में रहते तो हम गरीब किसान थे, लड़के को क्या बना पाते, लेकिन भगवान के हुए तो क्या बना, युवराज, और आगे चलकर वही राजा बनेगा। अब चिंता मत कर, चुपचाप भजन कर, ना कोई जंगली पशु पक्षी खा पाया बच्चे को, ना कोई हानि पहुंची, और अरे सर्व रक्षक भगवान, भरोसा भगवान का। तो तुम माँ हो, तुम्हारा सोचना ऐसा ठीक ही है, पर वो मोह के कारण। भगवान विश्व के माता पिता, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, वो विश्व का पोषण कर रहे हैं। देखो पशु पक्षियों का, कितने सुंदर सुंदर पक्षी, और जंगल में रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, कोई उनकी दवा करने वाला नहीं। रहिमन बहु भेषज करत, ब्याज न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग, हरि अनाथ के नाथ। उनकी कौन दवा करता है, कौन भोजन, सब हष्ट पुष्ट स्वस्थ। भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपकी संतान का भी भरण पोषण करेंगे। इस बात से डरो मत, भजन परायण रहो, जब तक श्वास है तब तक उनकी सेवा करते रहो, नहीं तुम्हारी जहां तक सेवा संपूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु अब आप देखना, हम तो आपके विधान के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा है आप संभालना, भगवान संभाल लेंगे। काफी अच्छा इन्होंने सवाल का जवाब दिया था, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक जो माँ रहती है वो उसके जो अगर उसने पैदा किया है उसको, और 9 महीने तक वो पेट में रखती है उसको, तो वो उसको नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पे, चाहे उससे कोई कितना भी कहे। लेकिन जब उसकी बिल्कुल, जब वो बिल्कुल उसको लगता है कि मेरा जीवन ख़त्म होने वाला है, तो फिर वो ईश्वर के सहारे छोड़ देती है कि अब आप ही के हाथ में है, आप ही इनका भरण पोषण करना, क्योंकि कोई और सॉल्यूशन नहीं रहता। वो यही कह रहे हैं कि जब तक आप हैं आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए, देखभाल करिए, लेकिन जब आप नहीं रहते हैं, मतलब बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि मेरे जाने के बाद में बच्चे का पता नहीं क्या होगा। तो यही कि अपना ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे के साथ में अच्छा ही हो। और मैंने देखा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। एक कल परसों मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें दोनों बहन भाई थे और उसके पेरेंट्स नहीं रहे, और उन बच्चों की जो मतलब इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, 99% मार्क्स दोनों के, तो आप लगा लीजिए कि वो एक तरीके से किसी भगवान किसी भेस में आ जाते हैं और उनके फिर भरण पोषण करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ काफ़ी गलत भी हुआ है, क्योंकि जब तक माँ बाप का छत्र छाया जो बच्चों के ऊपर रहती है, तो बच्चे को पता भी नहीं चलता कि सुख दुख क्या होते हैं, सब निकल जाते हैं उनकी लाइफ से। जैसे ही माँ बाप का साया उड़ जाता है तो उनको पता चलता है कि आखिर सुख दुख होता क्या है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका माँ का साया उड़ जाता है, बाप का साया उड़ जाता है, तो उनका बड़ा ही दुख होता है, लेकिन वह है कि ईश्वर के उसमें छोड़ देते हैं और ईश्वर जो है उनकी रक्षा करते हैं। और एक माँ बाप का चिंतित होना भी लाजमी है, ठीक है, कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो बच्चे का क्या होगा।
तो क्या है कि एक मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल क्या है, मतलब आस पड़ोस में जैसे थी तो एक लेडीज थी, काफ़ी बीमार सी रहती थी, काफ़ी वो तो फिर काफ़ी टेंशन रहती थी उसको। तो वो क्या है कि उसको टेंशन रहती थी अपने बच्चों के बारे में कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। तो फिर पता नहीं क्या उसके माइंड में आया कि उसने ईश्वर का ध्यान लगाना शुरू किया और योगा करना शुरू किया। ठीक है, ईश्वर में ध्यान लगाती थी और योगा करती थी, और उसके बाद में उसकी जो ये प्रॉब्लम थी बिल्कुल सॉल्व हो गई और वो मतलब ठीक तरीके से रहने लगी और अपने बच्चों के लिए। वो मतलब एक फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, जब आप ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, दूसरा आप योगा वगैरह करते हैं, तो अगर मान लो आपको कोई बीमारी भी है या फिर कुछ है, तो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। और जो पेरेंट्स जो नहीं कर पाते हैं, भाई उनको लगता है कि अब तो हम बच ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो ईश्वर के सहारे छोड़ देते हैं कि आप इनकी देख रेख करना। और ईश्वर ऐसा नहीं है, वो करते हैं, ठोकर खा खा के ही आप आगे सक्सेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे दुख देखे हैं और बहुत ही ऊंचे मुकाम पे हैं वो, क्योंकि और ऐसे भी हैं जो जिन्होंने शुरू से ही चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं और वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुए। तो ये ऐसा नहीं है, अगर मान लो पेरेंट्स हैं और बच्चे सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनके पेरेंट्स नहीं होते या फिर गरीब होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे बहुत सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ रहता है। तो काफ़ी अच्छा जवाब था। जो पेरेंट्स काफ़ी चिंतित रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उनको एक आत्मसंतुष्टि भी देता है कि अगर कुछ हमें कुछ होता है तो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप ही इनकी रक्षा करना और आप ही के सहारे इनको छोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं। और एक माँ कभी भी ये तो सच है कि जब एक माँ जब अपने एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, और इतनी पीड़ा होती है कि बहुत सी तो उनकी जान ही निकल जाती है, मतलब वो मर जाती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब एक इंसान के जब प्राण निकलते हैं तो उसको कितना दर्द होता होगा। तो इतना ही दर्द होता है एक माँ को, एक अपने बच्चे को जन्म देते में बहुत दर्द होता है। तभी बोला जाता है कि वो दूसरे जन्म में पड़ी है, वो दूसरा जन्म, और बहुत सी लेडीज़ का तो दूसरा जन्म हो ही नहीं पाता। मतलब वो इतना उसको पीड़ा होती है, वो वहीं मर जाती है, बच्चा नहीं मतलब जन्म देते थे में, तो बहुत पेन होता है। तो जिससे कि उनके जो पति थे वो बताते, वो विचलित हो गए थे कि आपको बहुत पेन हुआ है, तो वो नहीं चाहते थे कि एक और हो, अपना जो एक ही है आप उसे उसका भरण पोषण करें। तो लेकिन क्या होता है कि अगर देखा जाए, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये एक्चुअल में भारत में तो इतने सब शांति शांति के तरीके से रहते हैं सभी, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी तरीके का नहीं, कोई किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, सब अपना सुकून से रहते हैं। लेकिन जिस समाज में आप रह रहे हैं, आपको दूरदर्शी सोच भी रखनी पड़ेगी। आपको ये भी रखना पड़ेगा कि आपके आसपास किस तरीके के लोग रह रहे हैं, कहीं वो ऐसे लोग तो नहीं हैं कि जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, क्योंकि भारत के लोग काफ़ी शांति प्रिय थे। ठीक है, उनको लगता था कि जैसे वो खुद हैं ऐसे ही सब हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो 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 लोग रेगिस्तान की ऐसी जगहों पे जो रहते हैं, वो थोड़े बहुत ज़्यादा कठोर स्वभाव के होते हैं, उन क्रूर रहते हैं वो, उनके अंदर दया भाव नहीं रहती। ठीक है, उनका जो भी रीज़न है, ठीक है, तो क्या है कि उसी हिसाब से फिर अपने आप को ढालना पड़ता है। तो अब जैसे अब भारत का टॉपिक दूसरा चेंज हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत गुलाम बना तो बना कैसे था। यहाँ पे सबकी लाइफस्टाइल ऐसी ही थी, सबका ईश्वर में पूरा विश्वास था, सब अपनी लाइफ को बड़ी अच्छे तरीके से ईश्वर पे भरोसा था सबको, सब भरण पोषण ईश्वर, सब कुछ मतलब ईश्वर पे था। लेकिन हम वो क्या है कि लोगों के अंदर एक दूरदर्शी सोच की कमी थी। ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि जो अदर जो उसमें रहते हैं वो किस टाइप के लोग हैं, क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या है कि ईश्वर पे भी विश्वास रखो, खुद पे भी विश्वास रखो, और जो आसपास जो हो रहा है उस पे भी नज़र रखो, दूरदर्शी सोच रखो, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। ये टॉपिक डिफरेंट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब जैसे उन्होंने बोला कि एक ही बच्चा काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी पीड़ा हुई थी। लेकिन क्या है कि पीड़ा जब आपकी जब आज़ादी ही छिन जाएगी तो फिर उस पीड़ा का क्या करोगे आप। तो क्या है कि कई बार जो माएँ होती हैं वो कई बच्चों को जन्म देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं और जो अदर हैं वो कितने किस हद तक जा सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि माओं को क्या है कि एक नहीं दो नहीं, जितना वो अपने अपने समाज को बचाने के लिए वो इतना पीड़ा बर्दाश्त करती हैं और करेंगी भी आगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पीड़ा होती है, नो डाउट, बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत पीड़ा होती है।
ठीक है, लेकिन क्या है कि जब उनको अपने समाज की सुरक्षा करने का जब दायित्व आ जाता है एक लेडी के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर, तो फिर वो इस पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, अब जब दिखता है कि भाई हमारे समाज खतरे में है और महा जो एक वीर योद्धाओं की जरूरत है, तो वो वीर योद्धा भी पैदा करती है, चाहे उसको उसके लिए कितनी भी पीड़ा क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। तो काफ़ी अच्छी, इसको जो पेरेंट्स इन सब चीज़ों से वो रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनको इन सवालों के जवाब भी मिल गए हैं जो गुरुजी ने जो दिए हैं। और दूसरा, समाज जिस समाज में आप रह रहे हैं उसके भी आपको दूरदर्शी सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप बताएगा आपकी क्या राय है। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।